हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राकेश कुमार शर्मा, चैनल का भी नाम है राकेश कुमार शर्मा। आज हम लोग पॉलीनोमियल टॉपिक एसईईआरटी का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कर रखा है, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। पॉलीनोमियल टॉपिक का लेक्चर जो है हमारे चैनल पे आपको मिल चुके होंगे। और अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को भी, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको ऑलवेज मिलते रहेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्वेश्चन कह रहा है आपका 2.3 का, बोलता है ऑफ इन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 प्लस 6x³, ओके, -2x² -10x -5, ओके, -2x² -10x -5, इफ टू ऑफ जीरो आर, एक का वैल्यू दिया हुआ है आपका x -√5/3 करोगे और एक का वैल्यू दिया हुआ है x+√5/3 करोगे। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है √5/3, ओके, और एक दिया हुआ है -√5/3, ओके। तो जब दो वैल्यू दिया हुआ है इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, ये दो आएगा, मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। ओके, तो फैक्टर बनेगा तो क्या करोगे बच्चों, x² माइनस, ये क्या बन जाएगा, रूट पे था, ये कंप्लीट रूट पे था, ओके, तो क्या बन जाएगा, x² -5/3, ओके, ये आपका फैक्टर हो गया। तो इस फैक्टर को क्या करेंगे, p ऑफ x इसको करते हैं, ये जो वैल्यू आया p ऑफ x को हम क्या करेंगे, इनसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 3x का पावर 4 प्लस 6x³ -2x² -10x -5, ओके। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो x² है, यहाँ देखो x का पावर 4 है, तो x² देंगे तभी तो 4 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कॉन्स्टेंट में 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा 3 को, तभी यहाँ पे क्या आएगा अपन का, 3x का पावर 4 आएगा, ओके। और यहाँ पे प्लस है या माइनस है, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका, 5x² बनेगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ओके, कैंसिल हो गया, 5x² है और यहाँ पे -3x² है तो क्या बनेगा, 3x² बनेगा, यहाँ पे आपका क्या बना, 6x³ बना, ओके, प्लस में रहेगा, माइनस क्या था आपका, 10x -5 था। अब देखो यहाँ x³ है, यहाँ x² है तो क्या देना होगा, प्लस 6x देना होगा, ओके। जब 6x देंगे हम लोग तो क्या आएगा आपका, 6x³, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -10x हो जाएगा, ओके। तो यहाँ माइनस किया मैंने, यहाँ प्लस किया, ये कैंसिल हो गया और ये प्लस में और ये माइनस से मिल हुए कट जाएगा, क्या बचेगा आपका रेस्ट, जो रेस्ट बचेगा उसको उतारना पड़ता है, ठीक है, एल्गोरिदम ही ऐसा होता है। x² है, यहाँ क्या देना होगा आपको, 3 देना होगा, तो +3 दोगे तो सेम वैल्यू आएगा, 3x² हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस प्लस क्या होता है अपन का, माइनस, 3 से 3 कैंसिल होगा मल्टीप्लाई करने पर तो क्या बचेगा, -5 बचेगा, ओके, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर, ओके। तो हमको क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, याद रख लेना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स होता है, ओके। तो आर ऑफ एक्स तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि रीजन यही है, क्योंकि एक सोल्यूशन ये है और एक सोल्यूशन कम्प्लीट रेस्ट 0 आ गया, रिमाइंडर क्या है आपका, 0 आया, तो आपका एक सोल्यूशन आया क्या, x² -5/3 था, और एक सोल्यूशन क्या था, जी ऑफ एक्स, मान लीजिए क्या होगा, ये जो फैक्टर आया ये भी फैक्टर था, तो इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं x² -5/3, और एक आया आपका सोल्यूशन में 3x² + 6x + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें से 3 कॉमन निकालोगे आप तो क्या बचेगा, x² -5/3, ओके, और क्या आएगा, x² + 2x + 1, ओके। तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, x का वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा, प्लस माइनस तो दिया ही हुआ था, √5/3 दिया हुआ था एक सॉल्यूशन, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x+1 का ये क्या बनता है, होल स्क्वायर बनता है, ओके, क्या बनता है, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब x+1 का होल स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा इसका सोल्यूशन, x = -1 और -1 हो जाएगा, दो वैल्यू आया तो ये आपका टोटल कंप्लीट इसका सोल्यूशन निकल गया, रिमाइंडर तो आपको 0 था, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया। पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स तो हमने इसको लिख लिया, इस लाइन को हटा देते, डिलीट मार देते, क्योंकि मैंने यहाँ से फिर स्टार्ट किया, ओके। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, आप इसको राइट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर, ओके।
फोर्थ में क्वेश्चन चलेंगे, फोर्थ में क्वेश्चन कर रहा है टीचर, बोलता है कि ऑन डिवाइडिंग एक्स का पावर क्यूब, एक्स का पावर क्यूब है माइनस 3x² है प्लस एक्स है प्लस 2 है, ओके। बोलता है बाई द पॉलिनोमियल्स जी ऑफ एक्स द क्वांटेड एंड डिवाइडेड वेयर एक्स माइनस 2, आपका क्वांटेड दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको अपन ने, तो क्या दिया है एक्स माइनस 2 दिया हुआ है और आर ऑफ एक्स भी दिया हुआ है रिमाइंडेड। आर ऑफ एक्स क्या दिया बच्चों, माइनस 2x + 4 दिया हुआ है, ओके। तो हमको ये वैल्यू दिया है पी ऑफ एक्स, तो आपको पता है ये फार्मूला हमने लिख पाया था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिखोगे प्लस आर ऑफ एक्स लिखोगे, ओके। तो हमको पता है इतना चीज, तो हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर था आपका फोर्थ नंबर, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमको क्या करना होता है, आर ऑफ एक्स दिया हुआ है, आर ऑफ एक्स की जगह हम लिख देंगे वैल्यू को माइनस 2x + 4, ओके। क्यू ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है, तो क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना आपका एक्स माइनस 2, जी ऑफ एक्स तो नहीं दिया हुआ है, ओके। और पी ऑफ एक्स तो आपको दिया हुआ है ये वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स में ये रेस्ट जो आपका रिमाइंडर है इस साइड लाएंगे तो निगेटिव कर देंगे, तो ये कंप्लीट इन दोनों का ये फैक्टर बन जाएगा, ओके। ये दोनों इस पी ऑफ एक्स का क्या हो जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। तो रिमाइंडर को माइनस करेंगे, तो रिमाइंडर को माइनस करने के लिए क्या करना होगा, x³ - 3x² + x + 2 में से क्या करेंगे, रिमाइंडर टर्म को इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा अपन का 2x - 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा x - 2 और जी ऑफ एक्स हो जाएगा। दो सॉल्यूशन, दो फैक्टर्स है इसका, तो चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, x³ - 3x² 2 और एक्स क्या होगा अपन का 3x आएगा और यहाँ -2 होगा, इक्वल टू क्या आएगा x - 2 और जी ऑफ एक्स आएगा, ओके। ये दो वैल्यू आपका आया, चलिए अब हम एक्स माइनस टू को इससे डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका रेस्ट जो बचेगा इससे डिवाइड करने के बाद वो टर्म्स किसका होगा, जी ऑफ एक्स का होगा। तो कर लो आप, x - 2 को हम क्या करेंगे, x³ - 3x² + 3x - 2 से हम डिवाइड करेंगे, x के साथ रहा होगा x² होगा, तो क्या बन जाएगा x³ - 2x² बनेगा, ओके। ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा -x² + 3x - 2। अब यहाँ x है, यहाँ पे -x² है, तो माइनस देना होगा x, तो क्या बनेगा x² + माइनस माइनस प्लस होता है 2x होगा, ओके। माइनस तो ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल हो गया टर्म, तो क्या आएगा यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, तो x - 2। अब देखो यहाँ x - 2 है, यहाँ भी x - 2 है, तो क्या देना होगा, यहाँ +1 देंगे तो क्या आएगा x - 2 और यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ मेरा जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू था ये क्या आया, तो x - 2 और जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आया अपन बच्चा x² - x + 1, ये आपका जी ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया। रिमाइंडर आर ऑफ एक्स तो आपको पता है 0 दिया हुआ है, क्यों आर ऑफ एक्स 0 आया, क्योंकि नहीं रिमाइंडर तो आपका आर ऑफ एक्स दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ गिवन है, तो आर ऑफ एक्स निकल गया, जी ऑफ एक्स अभी मैंने निकाला, यही आपका क्या है जी ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स आपको पहले से गिवन है, पी ऑफ एक्स दिया ही हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ओके। डिवाइड करना है और इस तरह से हम लोग निकाल लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बोलता है गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, और आर ऑफ एक्स, ये आपका दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स हमने पढ़ा दिया है फॉर्मूला में आपको, और आपका जी ऑफ एक्स तो पता ही है, और एक है आर ऑफ एक्स, ये चार वैल्यू होता है जो पता है आपको, ये पता है। तो हमको क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है डिग्री ऑफ आपका दिया हुआ है क्यू ऑफ एक्स, ओके। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला में, अभी फिर से लिखवा देता हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स होता है, ओके, इतना तो पता है। तो पी ऑफ एक्स का डिग्री, इसका डिग्री और क्यू ऑफ एक्स का डिग्री सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम पी ऑफ एक्स कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो सपोज मान लीजिए 2x² मान लिया प्लस 4x मान लिया प्लस 5 कर लिया, ओके, ये हम लोगों ने p ऑफ x मान लिया, ओके। तो q ऑफ x के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि q ऑफ x तो आपको सेम डिग्री है, इसमें से आप 2 पहले कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा आपका बताओ, x² 2 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा x² + 2x + 2, ओके। तो 2 से कॉमन निकाला था तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या आएगा 2 2 जब 4, यहाँ है 5, तो 1 देना होगा प्लस में, ठीक है,
तो हमको क्या आया, क्यू ऑफ एक्स का डिग्री सेम हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तब तक पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का डिग्री सेम बोला था, तो डिग्री तो सेम हो गया पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का। ठीक है, जी ऑफ एक्स हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई किया, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, टू हो गया, और आर ऑफ एक्स का वैल्यू वन हो गया। ठीक है, इस तरह से पी ऑफ एक्स का वैल्यू जो है बैलेंस शीट में भी आ गया, क्यू ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके एड करेंगे रिमाइंडर को, तो हमारा पी ऑफ एक्स भी आ गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको देखिएगा, डाउन कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है इसका, डिग्री ऑफ अब बोल रहा है क्यू ऑफ एक्स का डिग्री और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स का, ठीक है, सेम होना चाहिए क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स का। तो क्यू ऑफ एक्स यहाँ है, आर ऑफ एक्स यहाँ है, इनका डिग्री सेम होना चाहिए। इसको उलट दो अब, क्यों, जो क्यू ऑफ एक्स का डिग्री बोला है सेम होना चाहिए, तो क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स का वैल्यू डिग्री क्या बोला चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको उलट दोगे तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू, इसी चीज को ले लेते हैं हम लोग फिर से, तो पी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है हम लोग ले लिए। ठीक है, क्या लिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, किसी भी वैल्यू को आप निकाल के पुटअप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो बुक्स में दिए हुए वही रहेंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया था, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स का वैल्यू सेम, तो ये पी से तो वो मतलब नहीं है इनको, इनको मतलब क्या है क्यू से और आर से, तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा आपका, टू जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू हो गया और प्लस आर वन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए आर, पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, क्यू ऑफ एक्स पता है इंटू जी ऑफ एक्स होता है प्लस आर ऑफ एक्स होता है, इतना तो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है और आर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या बोला गया था, डिग्री सेम होना चाहिए। तो देखिए इसका कॉन्स्टेंट, इसको भी कॉन्स्टेंट लेते, डिग्री सेम हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे और एड करोगे तो क्यू ऑफ एक्स भी आ गया। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फाइव का थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइव का थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस बार की डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। आर ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो है, इसी क्वेश्चन को फिर सेम टू सेम उतार लो, बन गया आंसर। कैसे बता देता हूँ, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव लिख लो, पी ऑफ एक्स का वैल्यू यही है। ओके, और आपको आर, क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू क्या बोला है, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस वन। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये अपन लोग का हो गया क्यू ऑफ एक्स और ये मल्टीप्लाई का टर्म रहता है, तो जी ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। ओके, तो हमको बोला गया डिग्री जीरो होना चाहिए, तो डिग्री जीरो ही है। ठीक है, आर ऑफ एक्स से मतलब ऐसे और तो कुछ मतलब नहीं है, तो इसी क्वेश्चन का हम सेम आंसर जो बनाया था सेम टू सेम उतार लेंगे, तब आपके आंसर तैयार हो गया। क्यों, क्योंकि आपको बोला गया था आर ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो, तो जीरो है हमारा, क्योंकि इसमें एक्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ऑर्डर जो है सेम हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने फाइव का थर्ड ऑर्डर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर, नेक्स्ट क्लास की क्लास में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों से शेयर करना भी ना भूले। ठीक है, ओके।